नमस्कार, आप देख रहे हैं TCP24 और मैं हूं आपके साथ स्नेहिल सराफ। व्हाट्सएप और केंद्र सरकार के बीच पॉलिसीज को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है, मगर अब व्हाट्सएप ने सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। व्हाट्सएप केंद्र सरकार के नए IT नियमों के खिलाफ कोर्ट पहुँच गई है। आपको याद होगा कि 3 महीने पहले ही IT नियमों को लेकर विवाद गर्माया था, वही मामला अब फिर से तूल पकड़ने लगा है। इसमें एक नियम के अनुसार व्हाट्सएप और वैसी ही दूसरी कंपनियों को ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन की जानकारी रखनी होगी। व्हाट्सएप का कहना है कि यह किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करना है। इस नियम के खिलाफ व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए एक प्रेस नोट भी जारी किया है। इस प्रेस नोट में केंद्र ने वेबसाइट को लेकर कई सारी जानकारी दी है। गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि केंद्र निजता के अधिकार का सम्मान करती है। अब सरकार किसी खास मैसेज के ओरिजिन के बारे में जानना चाहती है तो उसकी मंशा किसी की निजता के उल्लंघन की नहीं होती। मगर इससे जुड़े एक दूसरा मामला भी है जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। दरअसल 23 अगस्त 2013 को एन गोविंदाचार्य मामले में सोशल मीडिया कंपनियों को ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था, लेकिन इन कंपनियों ने भारत के व्यापार के लिए विदेशों में अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। अब 8 साल बाद उस पर कानूनी स्पष्टता के बावजूद डिजिटल कंपनियां नानुकुर कर रही हैं। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की निजता के अधिकार को संवैधानिक हक के तौर पर मान्यता दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BN कृष्णा ने एक रिपोर्ट दी थी। उसके बाद मामले को संसद समिति को सौंप कर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। एक्सपर्ट्स ने इस मामले को लेकर कई तरह की बातें कही हैं, जिसमें से एक है कि व्हाट्सएप अब अपना रहा है दोहरा रवैया। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता कहते हैं कि एक तरफ तो व्हाट्सएप यूजर्स को जानकारी दूसरों के साझा कर रहा है, दूसरी तरफ वही अब निजता के अधिकार का पाठ भी पढ़ा रहा है। यह दोहरा रवैया नहीं चल सकता। वे कहते हैं कि सरकार अदालत के आदेश का सक्षम अधिकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे खास मामलों में ऐसी जानकारी मांग सकती है। कोई कंपनी अगर किसी देश में कारोबार कर रही है तो देश के नियमों को मानना ही होगा। गुप्ता के मुताबिक ये कंपनी मनमाना बर्ताव कर रही है। पहली बात, हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन पर पिछले कई सालों से बहस होने के बावजूद अब तक कोई कानून नहीं है। दूसरी बात, कंपनियों ने भारत में कोई नोडल ऑफिसर और ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त नहीं किया है, इसीलिए आप किसी मसले पर इन कंपनियों के MD से बात करो तो वह कह देते हैं कि हम तो बस कंपनी के मार्केटिंग ऑफिसर हैं। दरअसल ये दोनों खामियां ही कंपनी को बच निकलने का रास्ता देती हैं। TCP 24, नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।